ठीक है। अब देखो मार्केट में अराउंड मान लो, ये एक बुलिश कैंडल है। मार्केट में कैसे मोमेंटम कंटिन्यू चलता है, मान लो ये बुलिश कैंडल है। अब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, फर्स्ट पहले नीचे जाएगी, किसी की लेवल से पावर इकट्ठी करेगी, फिर रिजेक्शन खा के ये फॉर्म करेगी। अब इस कैंडल ने किसका हाई तोड़ा, प्रीवियस खुद के बुलिश कैंडल का हाई तोड़ा, प्रीवियस ठीक है ना। तो ये हमारे लिए हो गई कॉन्टिन्यूशन सिग्नल। अब नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, दोबारा बायर ओपन होंगे, इसी की लेवल को रीटेस्ट करेगी, प्राइस इकट्ठा करके रिजेक्शन और प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी। तो मार्केट हमेशा इस तरीके से चलती है, ठीक है ठीक ठीक है ना। अब बात है कि मार्केट में ये क्या चीज है, ये जो रिजेक्शन है, अगर हम इधर देखें, मान लो ये चीज बनाई, ठीक है, मतलब ये क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर बायर देखो, जैसे कैंडल यहाँ ओपन हुई, फर्स्ट नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर रिजेक्शन खा के अगर यहाँ क्लोजिंग दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि बायर खुद के ही हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, नहीं कर ठीक है ना। इसका मतलब अगर इस कैंडल को हम एनालाइज करें, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी सॉरी, यहाँ कैंडल ओपन हुई, नीचे गई, ऊपर आई, जब इस पॉइंट को टच किया, कुछ सेलर ने अपनी एंट्री शो करी और बायर की क्लोजिंग यहाँ हो गई। इसका मतलब यहाँ पे छोटा सा हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, राइट, ठीक ठीक है ना। और बायर उसी हाँ रेजिस्टेंस लेवल को पहले नीचे गया, ओपन भी नीचे गया, ऊपर गया, रिजेक्शन खा के उसी के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक पहले भी बायर को इस जगह से रिजेक्शन मिली थी, देखो यहाँ पे, फिर जब कैंडल ओपन हुई, नीचे गई, प्रेशर इकट्ठा गया, ऊपर गई, लेकिन एंड में फिर यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग दे रही, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, ठीक है ना, जो के बायर को रिजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब पहले यहाँ पे देखो, बायर की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, अपर रिजेक्शन वीक है, मतलब कि ये कॉन्टिन्यूशन कैंडल है, बायर स्ट्रॉन्ग है इस कैंडल में, ठीक है, अपर रिजेक्शन कम है, ठीक ठीक है। अब यहाँ देखो, बायर के अंदर अभी भी बॉडी ज्यादा है, रिजेक्शन कम है, मतलब कि सेलर्स के पास, सेलर्स सप्लाई यहाँ पर कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ये कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है। अगेन बायर के अंदर हमने देखा डिमांड ज्यादा है, सप्लाई वीक है, लेकिन अब कैंडल में हमने क्या देखा, कैंडल ओपन हुई, नीचे गई, ओपन प्राइस के ऊपर गई और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी विद रिजेक्शन। अब ये कैंडल हमारे लिए वीक कैंडल है, क्यों, क्योंकि सबसे पहली चीज बायर को, जो इससे पहले वाले बायर को, इसको, इस कैंडल को पहले हाँ भी यहां से रिजेक्शन मिली, फिर नेक्स्ट कैंडल, मतलब बायर ने फर्स्ट टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, सेलर एंट्री, अगेन बायर ने इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, अगेन इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब यहां पर वीडियो थोड़ा ये हो रहा है, क्या आ नहीं चीज, रहा है, स्क्रीन आपका आ नहीं रहा है स्क्रीन अभी आ रही, अचानक से। हाँ आ गया आ गया आ गया, ठीक है ठीक हाँ है। अच्छा, तो अब इस कैंडल में क्या है, बायर ने यहां पर फर्स्ट टाइम ट्राई किया, रिजेक्शन, फिर बायर ने सेकंड टाइम ट्राई किया, अगेन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। अब आप एक चीज देखो, मार्केट में पहले बायर रिप्लाई में इंक्रीज थे, देखो इसकी बॉडी और इसकी बॉडी, बायर रिप्लाई में इंक्रीज थे, इसलिए ट्रेंड कंटिन्यू किया, लेकिन बायर ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया रिजेक्शन, अगेन बायर ने इतने स्ट्रॉन्गली ट्राई किया, अगेन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, और अब यहाँ पर बायर वीक हो गए, प्रीवियस हाई के नीचे ही, मतलब यहाँ पर कुछ सेलर थे जो बायर को रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बायर्स, अब ये बायर पहले वाले से बड़ा है, इसलिए बायर ने फिर ट्राई किया, लेकिन अब की बार बायर वीक हो गया, समझ रहे हो, ठीक है ना। अब इस कैंडल के अंदर अभी यहाँ देखो, यहाँ डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लेकिन अब यहाँ सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम हो गई, कहाँ पे, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, समझे, क्लियर। हाँ इसका मतलब कि यहां पर ये न्यू हाई है चाहे, लेकिन ये हमारे लिए ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन कैंडल नहीं है।
ठीक ठीक है है, ना, क्योंकि ये खुद के ही प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं कर रहा, और उसकी डीपनेस मैंने नहीं आपको कर पा रहा। बताई, बायर ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बायर ने सेकंड टाइम ट्राई किया, लेकिन रिजेक्शन खिला के यहाँ पे क्लोजिंग दिलवा दी। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब न्यू हाई हाँ वर्क नहीं करता अगर वो खुद के प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट ना करे। ठीक क्लियर? क्योंकि बायर है, दो हाँ टाइम ट्राई करके ये कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर टू टाइम ट्राई करा बट ब्रेक नहीं कर पाए, यहाँ पे ये बॉडी ब्रेक नहीं कर पाई, विक ब्रेक तो कर गई, बॉडी ने ब्रेक नहीं किया। ठीक है ना, ले इसका मतलब यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग ठीक सेलर्स हैं जो बायर को वीक कर रहे हैं, बायर को रिजेक्ट करवा के अपने एरिया में क्लोजिंग दे रहे हैं ताकि वो एंटर कर सके। ठीक है ना, तो कभी भी न्यू हाई न्यू लो रूल्स क्या है, अभी मैं इसके बाद अब फिर बताऊंगा। मार्केट में अगर हाई बन रहा है बट अगर बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल में ही ले लो, बेरिश कैंडल अगर खुद के ही लो का ब्रेकआउट नहीं कर रहा तो ये हमारे लिए कॉन्टिन्यूशन ठीक है, सिग्नल नहीं है। ठीक नहीं है। है ना, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, मैं इस चीज को कर देता हूँ साइड। अब मैं आपको आपसे पूछूंगा कि मार्केट में ठीक है, अब ये देखो, क्या ये हमारे लिए ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है? हाँ, क्यों? क्योंकि बॉडी जो है प्रीवियस कैंडल का विक को ब्रेक कर रहा है। ब्रेक कर रही है, मतलब बायर ने अभी बायर कंटिन्यू चलना चाहता है, तभी वो उस प्रीवियस जो एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल जहां से सेलर रिजेक्ट कर रहे थे उसके एरिया को तोड़ दिया, कंफर्म कर दिया और न्यू हाई बना दिया, कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई इस एरिया में जितनी सप्लाई है उसको बायर ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा, डिमांड ज्यादा है। ठीक है, अच्छा ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, आप क्या ये हमारे लिए कॉन्टिन्यूशन कैंडल है? ये शायद नहीं है, क्योंकि बॉडी भी ये हो रहा है ना, श्रिंक हो रहा है। नहीं, श्रिंक होने का मैटर नहीं है, मेन है प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रही है तो वो कॉन्टिन्यूशन है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कर रही, यहाँ पर सेलर ने बायर ने प्रीवियस बुलिश कैंडल के विक के नीचे विक बना दिया, मतलब के न्यू लो। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए कॉन्टिन्यूशन कैंडल नहीं है। ठीक है, ऐसे ठीक ले लो, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। अब तो ये प्रॉपर हमारे लिए हाँ, रिवर्सल कंटिन्यूशन कर नहीं है। नहीं है। क्यों? आप ये देख रहे हो कि हम बायर ने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, न्यू हाई वर्क नहीं करेगा, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ, न्यू हाई वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और सबसे पहली चीज अगर हम इसके अंदर देखें, मार्केट में स्विंग लो बना है, मतलब जो प्रीवियस लो के नीचे लो बना दे वो स्विंग लो है। ठीक है, ठीक ठीक है ना, है, मतलब के इस कैंडल में पहले कैंडल ओपन हुई, पहले सेलर आए, सेलर ने प्रीवियस लो के नीचे भी न्यू लो बनाया, इसका मतलब यहाँ पे आने वाले सेलर ये कंफर्म कर रहे हैं कि मैं आपका माल, अब मान लो पहले यहाँ पर कैंडल ओपन होते ही सेलर आए थे, पहले मान लो सेलर ने इस पॉइंट को टच किया, मतलब 300 रुपये, सेलर ने बोला मैं 300 रुपये से नीचे माल नहीं बेचूंगा, फिर बायर ने जब इस एरिया को सेलर ने इस एरिया को टच किया, बायर ने बोला ठीक है मैं खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो बुलिश कैंडल, मतलब के सेलर 300 से नीचे माल नहीं बेच रहा था पहले। क्लियर? ठीक ठीक है ना, है। लेकिन अब हमने क्या देखा,
कि कैंडल जब ओपन हुई तो प्रीवियस 300 से भी नीचे माल बेचने के लिए उसने न्यू स्विंग लो बनाया। इसका मतलब क्या? ठीक सेलर कहना चाहता है अब पहले 300 रुपए से नीचे बेचने से, क्योंकि कैंडल नीचे जाती है सेलर, तो फर्स्ट कैंडल ओपन हुई, अब दोबारा प्रीवियस लो के नीचे स्विंग लो बनाया। इसका मतलब अब सेलर कहना चाहती है कि मैं आपको 280 रुपए में देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो अब बायर ने अपनी, हमेशा बायर अपनी टेल चेक करता है कि मेरे को कोई ऑफर तो नहीं मिला, बायर कहीं सस्ते में देने के लिए तैयार हो और मैं बेफालतू में महंगे में खरीदता चला जाऊं, समझ रहे हो। अब कैंडल क्लोज होते ही उसने अपनी टेल चेक, कैंडल क्लोज होने से पहले उसने अपनी टेल चेक करी, उसने देखा यार मार्केट में तो सेलर मेरे को 300 से नीचे वाले राउंड नंबर को टच कर रहा है, मतलब 280 रुपए, मतलब वो मेरे को 280 रुपए में दे रहा है। तो बायर क्या करेगा, उसको समझ आ गई कि माल मुझे सस्ते में मिल रहा है, तो बायर प्रीवियस हाई के नीचे विद रिजेक्शन क्लोजिंग दे देगा ताकि माल मुझे सस्ते में मिलना शुरू हो जाए, समझ रहे हो। तो ठीक है। हाँ ये हमारे लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल नहीं है, नहीं, क्लियर हो गया ना, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मतलब हाँ कहने का मतलब यह, अगर टेल के नीचे अगर न्यू टेल बन जाए, मतलब स्विंग लो बन जाए, ये टेल होती है ना, प्रेशर टेल होता है, ठीक है, टेल के नीचे अगर टेल बन जाए और हाँ बायर एग्जैक्ट प्रीवियस हाई अपनी हाई के नीचे रुक जाए, इसका मतलब इसकी साइकोलॉजी क्या है, इस जगह पे सप्लाई ज्यादा है, स्विंग लो बनने की कंफर्मेशन ये है। ठीक स्विंग लो देखो क्या क्या कंफर्मेशन है, स्विंग लो बन गया मतलब सेलर्स इंटरेस्टेड है, बायर के अंदर श्रिंकनेस आ गई, सेलर की इंक्रीजिंग देख के मैंने क्या ठीक बोला था, जब भी सप्लाई बढ़ती दिखती है डिमांड श्रिंक हो जाती है, यहाँ सप्लाई बढ़ती दिखी तभी डिमांड श्रिंक हो गई, और तीसरी चीज अपने हाई का नीचे क्लोजिंग दे देना, चौथी चीज विद रिजेक्शन, चारों चीजें क्या कंफर्म कर रही है ठीक कि मार्केट यू टर्न लेगी। ठीक ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। तो ये हमारा है मार्केट, ये हमारे लिए है कॉन्टिन्यूशन सिग्नल, ये कॉन्टिन्यूशन सिग्नल नहीं है, क्लियर। नहीं। अब तीसरे अगेन अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें, ये है बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, नीचे गई, की लेवल को टच किया, ठीक है, ऊपर गई, ये क्लोजिंग दी थी, ये हमारे लिए हो गई कॉन्टिन्यूशन सिग्नल, मान लो इसकी विक ऐसी है, ठीक है, अगेन कैंडल ओपन हुई, इसी को ठीक भी टेस्ट किया, ऊपर गई, क्या भी हमारे लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है? नहीं, क्योंकि क्यों, उसने ब्रेक नहीं किया। किसको, थाई को? हाँ अब एक चीज देखना, ये हमारे लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, क्यों अब मैं बताता हूं। देखो एक तो मार्केट ने, बायर ने प्रीवियस की लेवल का ब्रेकआउट किया, ठीक है, ठीक मार्केट है ने प्रीवियस की लेवल का ब्रेकआउट किया, न्यू हाई बनाया, तो हमने देखा नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई उसी की लेवल को, क्या है ये माइनर रेजिस्टेंस लेवल, उसको ही ब्रेकआउट के बाद उसने सपोर्ट वर्क किया, देख रहे हो, हाँ ठीक है, उसके बाद बायर ने न्यू हाई बनाया, लेकिन अब बात कर रहे हो गया प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं गया, लेकिन आप एक चीज देखो, मार्केट में मोमेंटम चल रहा है, मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू चलेगा, उसका सिग्नल है न्यू हाई, और एक चीज ध्यान दो, बायर ने एग्जैक्ट हाई के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। उसने गैप बनाया हुआ है, और ये जो गैप है ये मोमेंटम फिल करेगा, होगा ठीक है, न्यू हाई ठीक कंफर्म कर रहा है कि ये मोमेंटम गैप फिल करेगा, समझ रहे हैं, ठीक ठीक है है। ना। हाँ अब मार्केट ने मान लो इसका यहां क्लोजिंग दे दी और मार्केट ने बना दिया स्विंग लो, ये
अब हमारे लिए कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक ठीक। है ना। मतलब कि बायर ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया सेलर सेंटर, सेकंड टाइम ट्राई किया लेकिन स्विंग लो नहीं था, न्यू हाई था, मतलब कि ट्रेंड के कॉन्टिन्यूशन सिग्नल था, तो हमारे लिए बायर कॉन्टिन्यू सिग्नल का काम करा। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने बायर के एग्जैक्ट प्रीवियस हाई के नीचे क्लोजिंग दी और स्विंग लो बन गया और कैंडल में श्रिंकनेस आ गई, तो हो सकता है सेलर यहां से एंट्री कर जाए। समझ ठीक है। गए ना। डिपेंड करता है कि यहाँ पे के बायर के अंदर वीकनेस आई हो, अगर बायर के अंदर वीकनेस नहीं आई तो फिर इस सिचुएशन को स्किप कर देना, नेक्स्ट कैंडल की वेट कर लेना, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल फिर ऐसी फॉर्म हो रही है, मान लो बायर नेक्स्ट कैंडल ऐसी फॉर्म हो रही है, तो हमारे लिए ये भी कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, क्योंकि इसने एग्जैक्ट रिजेक्शन पॉइंट पे क्लोजिंग नहीं दी, समझ रहे हो। ठीक है। बीच में गैप है, हाँ मोमेंटम गैप फिल करेगा, न्यू हाई कंफर्म कर रही है कि यह अभी ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। ठीक अब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, इसी को रिटेस्ट करेगी, रिजेक्शन देखते ही आपको ऑलवेज सर्च चलेगा, ठीक है। ठीक अब बायर ने एग्जैक्ट यहां पे क्लोजिंग दी विद रिजेक्शन, ठीक है ना। लेकिन बायर ने, अब यहां पे दिक्कत देखो क्या है, यहां पर बायर ने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, वहीं पे एग्जैक्ट जाके क्लोजिंग दे दी, लेकिन मुझे यहां वीकनेस नहीं दिख रही, ठीक ठीक। है ना। और कैंड एक मोमेंटम भी है, क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में वेट कर लिया करो नेक्स्ट कंफर्मेशन, ठीक है। अगर श्रिंकनेस दिख जाए ठीक जैसे मैंने आपको यहां दिखाया, ठीक है, अगर श्रिंक, अब नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही मान लो ऐसी फॉर्म होती है, ऐसे फॉर्म होती है, अब आप पुट के साथ जा सकते हैं क्योंकि वीकनेस आ ठीक गई, है। हाँ ठीक है ना। लेकिन इसने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट भी नहीं किया, तो दिमाग क्या कहता है, यार हाँ यू टर्न हो सकता है, लेकिन यू टर्न के लिए हम जिसके अगेंस्ट जा रहे हैं उसकी वीकनेस इतनी जरूरी है। हम किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, पुट के साथ जा रहे हैं, तो हम बायर के अगेंस्ट जा रहे हैं। बायर में वीकनेस दिखी है आपको यहां पर, नहीं, बायर रिक्लाइम इंक्रीज हो रहे थे, मतलब डिमांड बढ़ रही है, तो हम कैसे इस मोमेंटम के और इस पावर के अगेंस्ट चले जाएं, सिर्फ ये देख के कि बाय ने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया, ठीक है ना, वेट कर लो, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने जैसी वीकनेस दिखा दी, दोबारा बायर का हाई ब्रेक नहीं किया, अब हम पुट के साथ जा सकते, जा सकता समझे ना। है। हाँ तो ये हमारी क्या हो गई, एक सेकेंड, ये हमारे लिए है कॉन्टिन्यूएशन सिग्नल, ट्रेंड कंटिन्यू ठीक। करेगा, ये गैप फिल करेगा, ठीक है, ये गैप हाँ फिल करेगा, ठीक है ना, एक सेकंड, ये गैप फिल करेगा, ठीक है। ये तो हो गया तीसरा, बस इतने ही होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। मार्केट को इस तरीके से न्यू हाई न्यू लोज वर्क करते हैं भाई, ठीक। ठीक है ना। हाँ और देखो अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, आप जिसके साथ जा रहे हो उसके हाइस का हमेशा ध्यान रखो, अगर वो मार्केट में हाइस बना रहा है और स्विंग लो नहीं बन रहा, स्विंग लो मींस ये वाला स्विंग, देख ठीक रहे हो है। ना, तो वो कंटिन्यू करेगा, हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक। अब मान लो, अब ये तो हो गया न्यू हाई, न्यू हाई न्यू हाई न्यू हाई वर्क हो गया। अब स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग हाई मींस जब कैंडल कलर चेंज करे, रेड टू, अब ग्रीन टू रेड हो गई, ठीक है, लेकिन इस कैंडल ने प्रीवियस हाई के ऊपर, प्रीवियस बायर के हाई के ऊपर हाई बना दिया लेकिन कलर चेंज हो गया, ठीक ठीक है ना, क्या बोला है। मैंने, हाँ अभी तो ट्रेंड को कंटिन्यू चलना है, तो हम न्यू हाईज देखेंगे बैक टू बैक, ठीक है। लेकिन हाँ अब मार्केट में कलर चेंज हो गया, लेकिन फिर भी अब कलर चेंज होने के बाद हम इसे न्यू हाई नहीं बोलेंगे, हम इसे स्विंग हाई बोलेंगे, ठीक ठीक है।
जब ग्रीन टू रेड हो जाए तो स्विंग हाई। अब मान लो यहां से फिर, अब हमारे लिए कंट्रोल किसके हाथ में है, इसके, ठीक है। और स्विंग हाई बनाने का मतलब क्या है, कैंडल ओपन हुई, फर्स्ट ऊपर गई और प्रीवियस ठीक हाई है। के ऊपर हाई बनाया। इसका मतलब मान लो बायर पहले बोल रहा था मैं ये 500 रुपए से ज्यादा माल नहीं खरीदूंगा, 500 रुपए से ऊपर माल नहीं खरीदूंगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में ही वो, नेक्स्ट डे की कैंडल, मतलब कि ये कैंडल, इस कैंडल में ओपन होते ही वो प्रीवियस 500 रुपए से भी ऊपर हाई बना रहा है। इसका मतलब क्या, बायर क्या कहना चाहता है कि मैं और महंगे में खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, राइट। ठीक ये बायर हाँ जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, इस कैंडल में ओपन होके फर्स्ट प्रीवियस हाई के ऊपर, खुद के हाई के ऊपर हाई बना के बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है। इसका मतलब हम इस कैंडल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में है, बायर के पास, बायर और बायर अभी भी कंफर्म कर रहा है मैं ट्रेंड को कंटिन्यू करूंगा। तो जो कैंडल, ये स्विंग हाई किसने बनाया है, इसी कैंडल में, नेक्स्ट कैंडल में, ठीक हाँ है ना। तो जो स्विंग हाई बनाता है किसने बनाया है, इस कैंडल में, इसका लो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूं डेंजर जोन, ठीक है ना, ठीक ठीक है ना। हाँ मोमेंटम की लास्ट कैंडल हमारी होती है मदर कैंडल, समझे। ठीक मोमेंटम है की लास्ट कैंडल होती है हमारी मदर कैंडल, और मदर कैंडल क्या, मदर। नेक्स्ट कलर चेंज हुआ तो क्या कंफर्म कर रही है कि राज अभी भी मेरे हाथ में था और मैं अभी भी अपने हाथ में रखने में एबल हूं, तभी मैं न्यू हाई बना रहा हूं। मतलब कि अभी भी ट्रेंड ऊपर चल रहा था, अभी भी ऊपर चल सकता है, ठीक है। वो बायर्स उसकी कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो हमारे लिए विनर का लोभ हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। विनर कौन है, ये मदर कैंडल, मदर कैंडल विनर, एक ही बात है, ठीक है ना, ठीक है ना। मदर कैंडल का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बाय अभी कलर चेंज हुआ है, अभी कलर चेंज हुआ है, लेकिन इस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों, विनर अभी भी जो कॉम्पिट जो विनर है वो अभी भी ऊपर जाने के लिए सिग्नल दे रहा है, मैं ट्रेंड को कंटिन्यू करूंगा। तो कहां से कंटिन्यू करेगा, यहां से, समझे। ठीक अगर सेलर यहां पर आकर श्रिंक हो रहा है, हाँ आप नेक्स्ट कैंडल कॉल के साथ जा सकते हो, समझ गए। ठीक है। क्यों, हाँ क्योंकि एक आप, और चीज, हाँ बताइए। हाँ ये जो कलर चेंज हो रहा है हाँ तो ये तो एक लेवल पे आके ही क्लोजिंग दे रहा है ना, फर्स्ट कैंडल के विक पे। हाँ फर्स्ट कैंडल के विक पे, मतलब ये अच्छा ओपनिंग प्राइस की मार्केट। बात कर रहे हैं। नहीं, देखो देखो, ये जस्ट एग्जाम्पल है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, इसको अपने जो अभी आपने ड्रॉ किया है इसको हटा दो। मैं बता, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। आप कहना चाहते हो कि ये इसी के हाई पे तो आके इसने क्लोजिंग दी है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मदर कैंडल, लास्ट कैंडल का लो, ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट ठीक है, समझे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये गैप फिल भी हो सकता है या डायरेक्ट बाय भी आ सकते हैं। मतलब कि हम विनर के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे, रिट्रेसमेंट की कंफर्मेशन के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। जो इंसान रिट्रेसमेंट की कंफर्मेशन के साथ जाता है वो जिंदगी भर बस मरता ही रहता है, क्योंकि उसको वो ये गलती कर रहा है कि मैं जिसके साथ जा रहा हूं वो हमेशा धोखा दे देगा किसी भी मिनट, समझ रहे हो। लेकिन विनर जो, जिसके हाथ में कंट्रोल है, किसके, इसके हाथ में, उसकी कंफर्मेशन के साथ जाओगे तो आपको भी नहीं मिलेगी, ठीक ठीक है, हाँ उसकी कंफर्मेशन मिलेगी। तो ये हमारा न्यू हाई न्यू लो के रूल्स हैं। मार्केट में जब भी न्यू हाई न्यू लो बने, आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है।